टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। इस समय मौजूद है मुंब्रा के शंकर मंदिर तालाब पर और आपको बता दें कि इस समय शंकर मंदिर तालाब पर जो है छठ पूजा की आप तस्वीरें देख सकते हैं। यूपी बिहार में जो है छठ पूजा की बड़ी मान्यता है और इसी तरह से मुंब्रा के शंकर मंदिर पर जो है बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग आज छठ पूजा का पर्व मनाने के लिए पहुंचे हुए हैं। हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह से छठ पूजा की जो है ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। लगभग 36 घंटे का जो है व्रत रखा जाता है और उसके बाद अब सूर्य अस्त के समय जो है जल चढ़ाया जाता है। महिलाएं इस तालाब में स्नान कर रही हैं और रात भर के बाद जब सुबह सूर्य उदय होगा उसके बाद ये जो है अपना व्रत खत्म करेंगे। इसी तरह से जो ये यहाँ पर आज छठ पर्व मनाया जा रहा है और खास तौर पर आपको बता दें कि यहाँ पर जो है पुलिस का भारी बंदोबस्त किया गया है। आपको यहाँ पर TDRF की टीम भी नजर आएगी और पुलिस विभाग भी यहाँ पर है, दमकल के कर्मचारी भी यहाँ पर मौजूद है। और एक बात और आपको बताना चाहेंगे कि कोई भी हादसा ना हो इसके लिए खास तौर पर बंदोबस्त किया गया है। ये रस्सी आप देख सकते हैं, ये रस्सी लगाई गई है और इसके अंदर ही जो भी महिलाएं हैं और जो इसमें स्नान करने के लिए आते हैं और जल चढ़ाते हैं वो रस्सी के दायरे में ही रहकर जो है अपनी छठ पूजा यहाँ पर करने के लिए अनुमति दी गई है। और खास तौर पर यहाँ पर जो है बंदोबस्त भी लगाया गया है, ये तमाम महिलाएं यहाँ पर पूजा अर्चना आज छठ पर्व के दिन यहाँ पर कर रही है। आज इसी तालाब की तस्वीरें हमने आपको कुछ दिन पहले दिखाई थी कि किस तरह से इस तालाब की जो है हालत कितनी खस्ता थी, लेकिन उसके बावजूद जो है यहाँ पर खबरें चली, लोगों ने इस तालाब की जो है मांग की कि इस तालाब को दुरुस्त किया जाए ताकि छठ पूजा यहाँ पर मनाया जा सके। और शासन प्रशासन के तमाम लोगों ने इस पर ध्यान दिया और छठ पूजा के लिए आज ये तालाब जो है बनाया गया। यहाँ पर बड़ी संख्या में आप देख सकते हैं लोग की छठ पूजा के लिए यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और इस दौरान हमने छठ पूजा में यहाँ आई हुई तमाम महिलाओं से भी हमने बातचीत की है और इस छठ पूजा के मौके पर इन महिलाओं ने क्या कुछ कहा है वो भी हम आपको सुनाएंगे। लेकिन खास तौर पर इस तालाब को बनाने के लिए जो है शशि ने मांग की थी, हम उन्हीं से बात करते हैं। आज छठ पूजा की जो है मांग आपने की थी कि यहाँ पर पूजा अर्चना की जाए क्योंकि तालाब की हालत ठीक नहीं थी, अब कहीं ना कहीं पूजा अर्चना यहाँ पर हो रही है, क्या कहेंगे? हमें बहुत खुशी हुई कि हमारे जो उत्तर भारतीय लोगों को यहाँ पर पूजा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन कुछ चीज़ थोड़ा मन में दुखी है कि ये चीज़ अगर अच्छे से हुआ रहता और भी काफ़ी खूबसूरत हुआ होता, तो मैं यही गुजारिश करूँगा कि प्लीज़ आने वाले टाइम में इस तरह से ना किया जाए, आप सुविधा हमें उपलब्ध करें ताकि हम और से और ज़्यादा तादाद के लोग यहाँ पे अपना छठ पूजा मना सके। जैसे बस सुना था इसके बारे में अभी तक कि जो नॉर्थ इंडियंस हैं मतलब उत्तर भारतीय के जो लोग हैं उनका त्यौहार होता है, तो उसके लिए आज यहाँ पर आए तो कुछ सीखने को भी मिला। अच्छा है न्यू के बहुत बड़ी एक ये फेस्टिवल रहता है, जैसे कि दिवाली होती है, ईद होते हैं, दूसरे फेस्टिवल्स होते हैं, वैसे ही छठ पूजा का एक बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है जिनमें आई थिंक महिलाएँ ज़्यादातर इसमें पार्टिसिपेट करती हैं, शादीशुदा को और अनमैरिड दोनों भी, वो लोग कुछ व्रत रखते हैं, देन फिर उसके बाद कुछ पूजा कर वगैरह करते हैं, देन वो तालाब में डुबकी वगैरह मारते हैं, तो काफ़ी लोगों की बहुत श्रद्धा जुड़ी है क्योंकि काफ़ी तादाद में लोग कंटिन्यू आ रहे हैं। एंड देन मैं अभी पूछ रही थी उन लोगों से, वो कंटिन्यू पूरी रात वहाँ पे जागे रहेंगे, सुबह तक जब तक के सनराइज़ नहीं होगा तब तक महिलाएं वहीं पे बैठी रहेंगी, तो काफ़ी लोगों की आस्था काफ़ी श्रद्धा जुड़ी है लोगों की ये फेस्टिवल से, तो बहुत ही अच्छा प्रबंध भी किया गया है, अच्छे से सब पूजा वगैरह अच्छे से हो रही है और बहुत लोग अच्छे से इन्जॉय कर रहे हैं उनके फेस्टिवल को। ये बहुत महत्वपूर्ण व्रत है और इस बार जो भी किए हुए हैं स्वागत जो व्यवस्था किए उनके लिए हम लोग बहुत आभारी हैं और नगर सेवक लोग से बोलेंगे अगले साल तक फिलहाल हम लोगों के लिए बहुत कुछ कर दें, यही हमारा वो है। तालाब की हालत थी अभी तो फिलहाल आप लोगों ने यहाँ छठ पूजा जी 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 इसको आगे और इसका सुदृढ़ीकरण बढ़ाया जाए इसको लेकर जी हम यही चाहेंगे अपने नगर सेवक लोगों से कि इसको अगले साल तक इतना अच्छा बना दे, इतना अच्छा इससे कई गुना ज़्यादा पब्लिक यहाँ पे रहे और खूब पूजा पाठ हो अच्छे से हो, हमारा यही आभारी है नगर सेवक लोगों से, बाकी धन्यवाद। सुधीर भाई आज जो है छठ पूजा का पर्व है इस मौके पर आप भी तालाब पर आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? आज शुभ मुहूर्त है, आज मेरे उत्तर भारतीयों का एक अच्छा त्यौहार है, मैं इस मौके पर इस अवसर के ऊपर सबको छठ मैया की शुभकामनाएं देता हूं। आप सबके ऊपर ऐसे ही कृपा दृष्टि बनी रहे, आने वाला साल सबको सुखमय समृद्धिमय, हर परिवार में सुख हो शांति हो,
यही मनोकामना पूर्ण होगी। सुधीर भाई, यहाँ के लोगों को जब तालाब का विषय उठा था तो यहाँ के लोगों को आपसे भी उम्मीदें थी। खबरें चलने के बाद लोगों का ये कहना था, जो लोगों ने हमसे कहा कि सुधीर भाई यहाँ जरूर आएंगे, लेकिन आप आए नहीं, क्या उसकी वजह है? कि मैं राजनीति नहीं करना चाहता हूँ। वो माहौल ऐसा था कि कुछ लोगों ने उसमें राजनीति करना चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, 2016 में इसका मंजूर हुआ है। सही बात है, ये चीज़ 2016 में जब सचिन भाऊ आयर उसके मिनिस्टर थे उस वक्त हुआ था, उस वक्त ये मंजूर हुआ था। 5 साल लग गए इसको बनाते बनाते, मुझे नहीं लगता 6 महीने में कोई चीज़ ऐसी ये लोग बना पाएंगे। और आश्वासन वही देगा जिसके पास नगर पालिका का फंड होगा, नगर पालिका के अंदर से उसको लाने के लिए उनकी उतनी एक ताकत होनी चाहिए। इनमें शायद वो ताकत नहीं है, और मैं चाहता हूँ कि इसमें राजनीति ना हो। साफ सुथरा उन्होंने काम कहा है कि हम लोग इतने महीने में करके देंगे। वो जिस दिन जिस दिन उनका एंड होगा उस दिन मेरी शुरुआत होगी, जिस दिन उनकी समाप्ति होगी उसी दिन मेरी शुरुआत होगी। ठीक है, हम भी नज़र बनाए रखे हैं। ज़रूर ज़रूर। और एक बता रहा हूँ कि अभी मैं कुछ दिनों के बाद मेरे ये लड़के लोग कुछ शुरुआत करेंगे, आपको भी वो नज़र आएगा कि क्या शुरुआत की है। इसको प्रोडक्शन वॉल बांधने का हम लोग काम चालू कर रहे हैं और वो हम जरूर करेंगे। सबसे पहले मैं हमारे नागरिकों को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। बस यही कहूँगा कि ऊपर वाले से दुआ करें, कोविड जैसी बीमारियों से लड़के हम यहाँ तक आए और कोविड जैसी बीमारी के ऊपर गाइडलाइन पर ध्यान रखें। महाराष्ट्र गवर्नमेंट महापालिका जो गाइडलाइन दे रही है वो हमारी भलाई के लिए। आप अपना फेस्टिवल और हमारा त्यौहार मनाते हुए कैसे कोविड की गाइडलाइन को ध्यान रख सकते हैं, इस पर ज़रूरी है ध्यान रखते हुए। बाकी हमारे सभी नगर सेवकों ने, हम सब ने मिलकर यहाँ पे जो इंतज़ाम किया था, मुझे ऐसा यकीन है कि लोग इस इंतज़ाम से टेम्पररी बेसिस पर भी है काफ़ी हद तक लोगों को एक समाधान होगा। आने वाले भविष्य के अंदर हम मुमरा कोसा के अंदर, मुमरा प्रभाग समिति के अंतर्गत इससे भी बेहतर इंतज़ाम हमारे जो श्रद्धालु और जो पूजा करने वाले छठ पूजा के त्यौहार का इंतज़ाम है वो अच्छे से करें। सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि आज छठ पूजा के महापर्व पर मेरी सभी माता बहनें, उत्तर भारतीय समाज को मैं इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा। और मैं छठ कमेटी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने कुछ दिन पहले ये छठ पूजा यहाँ नहीं करके खरडी या फिर रेतीबंदर घाट पे करने का फैसला किया था, लेकिन उनकी कुछ सुविधा हमारी तरफ से हुई तो उन्होंने ये फैसला बदली करके यहाँ पे ही रखा। तो मैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार है। यहाँ श्रद्धालुओं का पूरा मेला लग गया, आज बहुत खुशी हुई है देख के। मैं उनको सभी को बहुत बहुत शुक्रिया कहता हूँ और ये छठ पूजा की महापर्व की बहुत शुभकामनाएँ देता हूँ। हमारे हिंदू धर्म का बहुत ही भावनात्मक, आध्यात्मक और हमारे सनातन धर्म से जुड़ा हुआ व्रत त्यौहार है। हमारे उत्तर भारतीय बड़े ही प्यार से इसे मनाते हैं। कहीं भी कोने कोने में, भारत के पूरे विश्व के कोने कोने में रहते हैं, फिर भी ये उपवास, ये व्रत पूजन इत्यादि करने के लिए अपने अपने घर आते हैं। वैसे ही हम भी अपना प्रांत छोड़ के महाराष्ट्र प्रांत में आए हुए हैं और बड़े ही श्रद्धा से हम उमरेश्वर मंदिर में माता का छठ पूजन इत्यादि करते हैं। मैं स्वयं करती हूँ और मुझे व्रत करते हुए 25 वर्ष हो गए और हमारे बहुत पीढ़ी दर पीढ़ी से व्रत उपवास चले आ रहे हैं। तो हम सबसे पहले अपने छठ माता का कोटि कोटि प्रणाम करेंगे। यही निवेदन करेंगे, जितने भी हमारे यहाँ के नगर सेवक हैं, प्रधान हैं, वो इस तालाब के बारे में प्लीज़ आप थोड़ा कृपया करके ध्यान दीजिए। हम माताएं को बहुत ही कष्ट होता है, वहाँ फेरा लगाना पड़ता है, 5 फेरे, जिसके घर में जितने सदस्य हैं उतने 5 फेरे लगाने लगते हैं। हम यहाँ पे फेरे लगाते टाइम ऐसा लग रहा था मैं तालाब में गिर जाऊँगी। तालाब में भी उबड़ खाबड़ बहुत है, पत्थर है, नारियल, जो भी विसर्जन के सामग्री है वैसी पड़ी रहती है। प्लीज़ आपसे यही निवेदन है, इस साल थोड़ा समय निकाल कर हमारे भक्त, जैसे शशि जी हुए और भी भक्त यहाँ पर समय दिए हैं, उस समय का उस वजह से यहाँ पे बहुत सारे भीड़ हुई है। तो हम यही प्रार्थना करेंगे, अपने जो भी प्रधान हैं यहाँ पे, जो भी नगर सेवक हैं, उनसे यही रिक्वेस्ट करेंगे, प्लीज़ आगे अगले साल से जो है अच्छी व्यवस्था करिए। यहाँ हमारे जो भी दूसरे प्रांत से आए हुए उत्तर भारतीय हैं, बड़े खुशी और आनंद से व्रत त्यौहार मनाते हैं। तो हम यही उम्मीद कर रहे हैं कि अगले साल से बड़े ही धूमधाम से मनाया जाए